हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज आपका डायमंड टेस्ट सीरीज का जो पार्ट टेस्ट 4 है उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, ओके जिसमें आपने टॉपिक कौन से कवर किए हैं? बायोमोलिक्यूल्स, जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल से रिलेटेड आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप स्ट्रांग होने चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। तो अपन जानते हैं बेटा ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है in which both strands are anti-parallel to each other and coiled in right-handed fashion। तो ऑप्शन पे जाते हैं अपन, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द टू चेन्स आर coiled in right-handed fashion, बिल्कुल करेक्ट है। द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। वी नो द वन टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स कंसिस्ट 10 बेस पेयर एंड इट्स लेंथ इज 34 एंगस्ट्रॉन और 3.4 नैनोमीटर, एक ही बात है। तो ये डेटा भी क्या है? करेक्ट है। द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये जो बैकबोन है, ये डीएनए स्ट्रैंड की जो बैकबोन है दैट इज मेड अप बाई शुगर एंड फॉस्फेट, ये भी करेक्ट है। डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इज 34 एंगस्ट्रॉन, डेटा इनकरेक्ट हो गया बेटा। ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द बेस पेयर ये कितनी होती है आप जानते हो बेटा? 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। ओके सो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट आउट करना है। तो यहाँ न्यूक्लियोसोम से रिलेटेड क्या है? स्टेटमेंट है। आप जानते हो न्यूक्लियोसोम बेटा ये क्या है? स्टोन ऑक्टामर दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर। तो दैट इज ऑक्टामर, एक ऑक्टामर हो गया ये, और ये है डीएनए हेलिक्स। और यहां पर होगी H1 जो डीएनए हेलिक्स को क्या करेगी? बाइंड करेगी, इसको स्टेबल करके रखेगी। अब बताओ मुझे इस टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। स्टोन आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एसिडिक प्रोटीन, इनकरेक्ट हो गया बेटा। स्टोन जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन होती है। स्टोन रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड एस्पार्जिन, ये गलत हो गया बेटा। लाइसिन एंड आर्जिनिन होना था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? इनकरेक्ट है। स्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड स्टोन ऑक्टामर। ये क्या बोल गया? स्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड स्टोन ऑक्टामर। ये जो ऑक्टामर है इसमें कितनी स्टोन है बेटा? 8 है। तो स्टेटमेंट सही है ये। स्टोन प्रोटीन फाउंड इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया बेटा। स्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में नहीं होती। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, रिमेनिंग इनकरेक्ट। ओके ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन, अभी बात कर रहे थे न्यूक्लियोसोम वाला, वही क्वेश्चन आ गया सेम। तो टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 1 स्टोन ऑक्टामर एंड 8 H1 स्टोन, गलत हो गया बेटा। H1 एक ही होती है और एक क्या है? स्टोन ऑक्टामर। 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, जो डीएनए हेलिक्स उसमें कवर है उसमें कितने बेस पेयर हैं बेटा? 200। तो स्टेटमेंट जो है ये सही है। 8 स्टोन ऑक्टामर नहीं होते, 1 ही होता है। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। 2000 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स, गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ओके इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टोन प्रोटीन टाइप्स वगैरह, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, वहां से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको वापस से कवर कर लेना। सेलेक्ट द मिसमैच। तो यहाँ कुछ मैचिंग दे रखी है तो आपको मिसमैच को सेलेक्ट करना है। देखो बेटा ये है हेटरोक्रोमेटिन। हेटरोक्रोमेटिन स्टेन डार्क, बिल्कुल करेक्ट है। हेटरोक्रोमेटिन जो है वो डार्कली स्टेन रीजन हो गया। यूक्रोमेटिन स्टेन लाइट, ये भी करेक्ट है। एनएचसी प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज नहीं होती बेटा। एनएचसी जो होती है नॉन स्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन एंड स्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। तो ये मिसमैच हो गया। न्यूक्लियोइड, ये बैक्टीरिया, सही हो गया रिलेशन, बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। तो यहां पर मिसमैच कौन सा हो गया? थर्ड। ओके विच इज नॉट ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। वी नो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें एक तो है ये प्रमोटर, ये हो गया INR दैट इज सिस्टोन और स्ट्रक्चरल जीन, और यहां होगा टर्मिनेटर। तो बताओ इसमें कौन सा नहीं है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट? तो प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है, सिस्टोन है। ओरिसाइट इज नॉट ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बिकॉज ओरिसाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन, इसका ट्रांसक्रिप्शन में कोई रोल नहीं है। इन गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई भी, देखो आ गया, स्ट्रक्चर भी दे दिया आपके साथ, इन्फॉर्मेशन भी आ गई क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर गिवन डायग्राम क्या है जानते हो बेटा, ये है न्यूक्लियोसोम है, टिपिकल न्यूक्लियोसोम। तो अभी बताया था मैंने ए कौन है बेटा, ए, यहाँ पर डीएनए हेलिक्स है, सी कौन है, H1 है, और B कौन है यहाँ पर, ऑक्टामर है। तो आपको पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द B, तो ऑब्वियसली B इज स्टोन ऑक्टामर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ओके, विच इज नॉट कंक्लूजन ऑफ ग्रिफिथ। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में आपने बहुत इंफॉर्मेशन पढ़ी है। अब ये पूछ रहा है कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में इसका कंक्लूजन कौन सा नहीं है, क्या ग्रिफिथ ने नहीं बताया था। R strain pneumococcus are transformed by heat killed S strain pneumococcus, बिल्कुल सही है। जानते हो एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। अगर आपने हीट किल्ड S स्ट्रेन ले ली और उसको मिक्स कर दिया R स्ट्रेन के साथ, माइस के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया, तो आप जानते हो ना बेटा माइस की क्या हो जाएगी, क्या हो जाती है, डेथ, क्योंकि R स्ट्रेन जो है S स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, बिल्कुल सही, तभी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर इज डीएनए, याद करो बेटा ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर का बायोकेमिकल नेचर नहीं बताया था, उसने ये कंक्लूजन नहीं दिया कि ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर कौन है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। ओके, तो ये इसका कंक्लूजन नहीं है, तो आपका आंसर भी क्या होगा, थर्ड होगा। और फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट, बोले तो ग्लाइकोकैलिक्स, एंड बिकम विरुलेंट, बोले तो पैथोजन। ओके, तो इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ग्रिफिथ का कंक्लूजन नहीं है। क्लियर, तो आंसर कर दो इसका थर्ड। Next question, the unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of, सब जानते हो बेटा DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका unequivocal proof, बोले तो उसका सुस्पष्ट प्रमाण किसने दिया था, किसके एक्सपेरिमेंट से आया था, हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। तो डायरेक्ट याद करना इसको, केम फ्रॉम द हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिविटी, मोलिकुलर बायोलॉजी में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन से एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिविटी का यूज किया गया था। बताइए, हर्से एंड चेस ने रेडियो एक्टिविटी का यूज किया था, रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज की थी। तो सीधा आंसर करो, रेडियो एक्टिविटी, बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिविटी, हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। मिजेल्सन स्टॉल जो एक्सपेरिमेंट है वो डेंसिटी के ऊपर बेस्ड था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में भी रेडियो एक्टिविटी का यूज नहीं किया था, एवरी मैकलियोड मैकार्टी ने भी रेडियो एक्टिविटी का यूज नहीं किया था। ओके, in Hershey and Chase experiment, bacteria which was infected with virus that had radioactive DNA were radioactive, indicate that, बहुत important concept है बेटा। Hershey Chase ने जब E. coli को किससे इन्फेक्ट करवाया, ये खुद इंफॉर्मेशन दे रहा आपको, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव क्या है, डीएनए है, और फिर बाद में साइंटिफिकेशन के बाद उसने जब रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट किया तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिली, विद इन द बैक्टीरिया, पैलेट में मिली। तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, देखो, इन हर्से चेस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव, जो क्या मिले, रेडियोएक्टिव, दैट इंडिकेट दैट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आपका डीएनए है वो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में एंटर हुआ है। ओके, केवल ये इंडिकेट होगा कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की एंट्री हुई है, तभी बैक्टीरिया क्या मिले आपको, रेडियो एक्टिव। डीएनए एंटर इनटू द बैक्टीरिया बट नॉट प्रोटीन, ना डीएनए बैक्टीरिया में एंटर हुआ है लेकिन ये कह रहा है बट नॉट प्रोटीन, प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा, प्रोटीन के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट था। प्रोटीन एंटर इनटू द बैक्टीरिया, कोई रिलेवेंस नहीं है। डीएनए एंटर इनटू द बैक्टीरिया, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट दैट डीएनए एंटर इनटू द बैक्टीरिया। प्रोटीन अंदर है या बाहर है उसका आइडिया आपको इससे नहीं लगेगा, उसका आइडिया कब लगेगा, जब आप ई. कोलाई को रेडियो एक्टिव सल्फर युक्त किससे, बैक्टीरियोफेज से क्या करोगे, इन्फेक्ट करवाओगे। ओके, इन मिजेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट इफ ई. कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स, एक्सपेरिमेंट आपको मालूम है, उसने बोला है कि अगर ई. कोलाई को 80 मिनट तक ग्रो करवाओगे तो आपको पता है 80 मिनट के बाद आपको जनरेशन कौन सी मिलेगी बेटा, फोर्थ जनरेशन। तो कितने बैक्टीरिया होंगे फोर्थ जनरेशन में, 16। तो डीएनए भी कितने होंगे, 16। अब 16 डीएनए मॉलिक्यूल में कितने लाइट होंगे, कितने हाइब्रिड होंगे, तो आप जानते हो 16 है, तो हाइब्रिड का नंबर हमेशा कितना रहेगा, दो रहेगा क्योंकि आपने मीडियम कौन सा काम में लिया आगे, लाइट मीडियम, तो हाइब्रिड का नंबर दो और बाकी रिमेनिंग कौन होंगे, लाइट। तो बताओ आउट ऑफ 16 2 हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल एंड 14 लाइट डीएनए मॉलिक्यूल, तो रेशो कर लो 1:7। अब इसने लाइट यहां लिया है पहले, तो लाइट कितने हैं 7 और हाइब्रिड कितने हैं 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन और आता भी रहता है। Next, the experiment proved that DNA in chromosome also replicates semi-conservatively was performed by, बहुत important है बेटा, प्रोकैरियोट में सेमी कंजर्वेटिव मोड को किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने, और यूकैरियोट में क्रोमोसोम का यूज करके किसने किया था, टेलर ने। तो सीधा आपको डायरेक्ट याद करना है परफॉर्म्ड बाय टेलर, और टेलर एक्सपेरिमेंट वाज आल्सो बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिविटी, यूज्ड रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। Okay, which is incorrect about replication. Replication की नॉलेज होनी चाहिए बेटा। रेप्लीकेशन जो है एनर्जेटिकली, रेप्लीकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट है ये तो, क्योंकि रेप्लीकेशन जब होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज सेमी कंजर्वेटिवली, अभी बात कर रहे थे इसका मोड कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। इट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, बिल्कुल सही है। क्यों, जब भी रेप्लीकेशन होगा तो विद इन रेप्लीकेशन फॉर्म फोर्क एक तो होगी कंटिन्यूस स्ट्रैंड और एक बनेगी डिसकंटिन्यूस, तो इसको क्या टर्म दी गई है, सेमी डिसकंटिन्यूस। ओके, ये रूल है, इसको बोला गया है सेमी डिसकंटिन्यूस मोड हो गया ये। ओके, इट इज सेमी कंटिन्यूस, ये नहीं होगा, ये टर्म यूज नहीं करते हैं। तो करना क्या आपको, इनकरेक्ट अबाउट रेप्लीकेशन, इट इज सेमी कंटिन्यूस, ये गलत हो जाएगा, सेमी डिसकंटिन्यूस बोलते हैं इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट कौन सा है, फोर्थ है। During replication, the discontinuously synthesized fragments are later joined by DNA ligase. DNA ligase क्या करेगा, उन fragments को आपस में join कर देगा by forming the phosphodiester bond. In given replication fork, identify A, B, C, D. बहुत simple है बेटा, ये replication fork है तो बताओ, obviously ये दिखा रहा है कि यहाँ 5' to 3' क्या हो रहा है, डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड। तो अपने आप ही ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बना दो, ये 5 to 3 है तो ये हो जाएगा 3', ये वाला 5', तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये देखो 5' और ये बी है 3', तो सी की बात करें तो ये हो जाएगा 5', क्योंकि डीएनए की डायरेक्शन क्या होती है, फॉर्मेशन डायरेक्शन 5' to 3', ये 3' और ये अपने आप ही है 5' to 3'। अब जैसे आपसे पूछे वैसे बता दो, इसने बोला ए, तो ए क्या है बेटा 5' है, चलो ठीक है। यहाँ फिर बात की उसने बी की, तो बी क्या होगा 3' होगा, दोनों सेम है तो आगे देखते हैं। अब बात की सी की, तो सी देखो कौन है, सी ये रहा, सी क्या है 5', तो इस पे जाओ। ओके, और डी क्या है, ये देखो डी, ये रहा डी 3', तो आप सेलेक्ट कर लोगे, मैंने लेबल कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम गिवन डीएनए। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपको एक डीएनए मॉलिक्यूल दिया है जिसमें दोनों स्ट्रैंड को उसने मेंशन कर दिया, ये सीक्वेंस बता दिया, ये टेम्पलेट और ये क्या है कोडिंग है। तो आप तो फंडा याद रखो, जब भी इससे जो आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जो आरएनए है वो कोडिंग स्ट्रैंड के तो बिल्कुल सिमिलर होगा, बस टी की जगह यू लगा दो, और जो टेम्पलेट है उसके क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री, जो मर्जी है, कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड सिमिलर टू द कोडिंग स्ट्रैंड, बस फर्क क्या आएगा, सिमिलर सीक्वेंस बनाओगे तो टी की जगह यू कर दो, तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कैलकुलेट कर लो। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड से ले लेते हैं अपन, तो ये टी है तो यहाँ यू ए सी, यहाँ टी की जगह यू कर दो, तो ऑब्वियसली आपको क्या सीक्वेंस मिलेगा, देखो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, टी की जगह यू, ये रहा यू ए सी यू, ये हो जाएगा थर्ड। ओके, देख लो बिल्कुल ये टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री है और कोडिंग के सिमिलर है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन ऑफ लैक ओपेरॉन कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस ऑल द टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, लैक ओपेरॉन में जो लैक आई जीन होती है, लैक आई जीन वो होती है कॉन्स्टिट्यूटिव, आउट ऑफ रेगुलेशन बाउंड्री, कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस एंड इट्स एक्सप्रेशन प्रोडक्ट इज लैक रिप्रेसर प्रोटीन, तो आंसर विल बी लैक आई जीन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये आपके एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, कुछ आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज रेगुलेटेड बाई मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जीन रेगुलेशन को मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल कंडीशन और एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो ए रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ द जीन। बिल्कुल सही है बेटा। जैसे ही डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, उसमें ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो क्यों होता है, क्योंकि जो जीन्स हैं उनमें एक्सप्रेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें डिफरेंशिएशन प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगा। तो बिल्कुल स्टेटमेंट ये क्या हो गया, करेक्ट। बिल्कुल एनसीईआरटी के हैं बेटा ये, इन पे ध्यान देना, एज इट इज आ जाते हैं। द जीन इन सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शन। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट हो गया, सही है। जेकब एंड मोनाड वर फर्स्ट टू इल्यूसिडेट ए ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम इन ई कोलाई। ये भी सही है बेटा। उन्होंने जो ओपेरोन डिस्कवर किया था ई कोलाई में, लैक ओपेरोन, वो क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो यहाँ तो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल क्या दे दिए, करेक्ट दे दिए। एनसीईआरटी के हैं, आप इन पे जाओगे तो ऑप्शन पे जाओ तो आंसर क्या होगा, ए बी सी डी आर करेक्ट। आंसर कर दो फोर्थ, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट वाला आ गया। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एडिनिन पेयर विद यूरेसिल। बिल्कुल क्या है, ये सही है। ट्रांसक्रिप्शन में एडिनिन जो है वो किसके साथ पेयर करेगा, यूरेसिल के साथ। रेप्लिकेशन में क्या होता है, एडिनिन पेयर विद थाइमिन। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी गवर्न्स द बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। बिल्कुल सही है। दोनों ही प्रोसेस में जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी जो रूल है वो गवर्न होता है। रो प्रोटीन इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, ये गलत हो गया बेटा। रो प्रोटीन इज टर्मिनेटिंग, दैट टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, और जो सिग्मा है वो इनिशिएट करने में हेल्प करती है। तो आंसर आपका आ गया थर्ड। इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है। यूकैरियोट में साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है, विद इन न्यूक्लियस। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट रिक्वायर, आप सभी जानते हो बेटा, यूकैरियोट जो है उसमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन होगा, HNRNA, एंड HNRNA इज इनएक्टिव। क्या होता है, इनएक्टिव, जिसमें क्या होगी, जिसके अंदर स्प्लाइसिंग होगी, कैपिंग होगी, टेलिंग होगी। तो इट रिक्वायर, ये लो 5' कैपिंग ओनली होगा, 5' कैपिंग, स्प्लाइसिंग भी होगी, ओनली लगा दिया लेकिन 1, 2 बोथ। तो आंसर कर दो ना आप, थर्ड कर दो। टेलिंग जो है वो 3' होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिंग और स्प्लाइसिंग दोनों। तो आंसर इज 1 and 2 बोथ। विच इज इनकरेक्ट अबाउट HNRNA। HNRNA के देखो 2-3 क्वेश्चन डाल दिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। HNRNA इनकरेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। इट इज प्रीकर्सर ऑफ mRNA, बिल्कुल सही है। तो इट इज ट्रांसलेशनली इनएक्टिव, बिल्कुल क्या है, सही है। HNRNA का ट्रांसलेशन नहीं होता, ट्रांसलेशन के लिए कौन जाएगा, mRNA। इट नॉट रिक्वायर प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, ये गलत हो गया बेटा। अभी बताया था HNRNA में प्रोसेसिंग करवानी होगी तभी क्या होगा, वो एक्टिव होगा। इट कंसिस्ट बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन, बिल्कुल सही है। HNRNA में एक्सॉन भी, इंट्रॉन भी, और स्प्लाइसिंग जब करवाएंगे तो इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा हो गया, थर्ड। फाइंड द रोंगली मैच्ड पेयर, फर्स्ट पेयर क्या दिया है देखो, हरगोविंद खुराना डिस्कवरी ऑफ कोडोन, बिल्कुल सही है। कोडोन की डिस्कवरी में खुराना का रोल था, पढ़ा है आपने, एनसीईआरटी में दिया है। जॉर्ज गैमो कॉन्सेप्ट ऑफ कोडोन, ये भी बिल्कुल सही है। फ्रेडरिक सेंगर अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग, अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग मेथड डेवलप बाय फ्रेडरिक सेंगर, सही है। नीरेनबर्ग DNA सीक्वेंसिंग, गलत हो गया बेटा। नीरेनबर्ग ने DNA सीक्वेंसिंग मेथड डेवलप नहीं किया था, ये डेवलप किया था फ्रेडरिक सेंगर ने। अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग है, DNA सीक्वेंसिंग मेथड डेवलप बाय फ्रेडरिक सेंगर। नीरेनबर्ग ने केवल क्या किया था, नीरेनबर्ग तुम्हारे जेनेटिक कोड में दे रखा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया है। उसने इन विट्रो कंडीशन में प्रोटीन सिंथेसिस मेथड को डेवलप करवाया था। ओके, ड्यूरिंग 5' कैपिंग, जब HNRNA बनेगा तो उसके 5' एंड पर कैपिंग की जाती है बेटा। तो कैपिंग में बेटा बताओ क्या ऐड किया जाता है, किसको ऐड करते हैं, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, दैट इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है ये, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ढूंढो ऑप्शन में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। Which is incorrect about the character of BDNA. Watson Crick मॉडल ने जो DNA के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया वो कौन सा DNA था बेटा, BDNA, जिसका डायमीटर कितना होता है, अभी बताया था। ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके DNA के, कोई भी क्वेश्चन आएगा इनसे, ये है BDNA, जिसका डायमीटर कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉन, या नैनोमीटर में क्या हो जाएगा 2 नैनोमीटर। ये राइट हैंडेड है तो डेटा ये भी सही है, राइट हैंडेड है, सही है। वन टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? इसका जो वन टर्न है, वन पिच, पता है ना, 10 बेस पेयर। तो बेस कितने हो गए बेटा? 20 बेस हो गए, तो ये भी करेक्ट है। लेंथ ऑफ टर्न, अभी बात कर रहा था, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, एक टर्न की लेंथ कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर, या बोल दो 34 एंगस्ट्रॉन। तो इसने क्या दिया है? लेंथ ऑफ टर्न इज 34 नैनोमीटर। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? ये गलत हो गया, डेटा गलत हो गया, तो आपका इनकरेक्ट यही हो जाएगा, फोर्थ। सेलेक्ट ओड वन रिगार्डिंग जेनेटिक कोड। ओके, तो जेनेटिक कोड के रिगार्डिंग ओड कौन सा है? देख लो बेटा, जेनेटिक कोड डीजेनरेट होते हैं, सही है, तो नियरली यूनिवर्सल, स्पेसिफिक, और ये एम्बिगियस नहीं होते बेटा, ये क्या होते हैं? नॉन एम्बिगियस, असंदिग्ध होते हैं, संदिग्ध नहीं होते हैं। तो कौन सा हो गया? ओड कौन सा हो गया? फोर्थ। Which of the following option consists of non-essential amino acids only? आपको amino acid जो है उनमें ये याद होना चाहिए, 10 तो essential है और 10 क्या है? नॉन असेंशियल। उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसमें केवल कौन सा है नॉन असेंशियल? देखो, वेलिन ये तो असेंशियल हो गया, इसलिए इसको छोड़ो यहीं। ग्लाइसिन, सेरीन, प्रोलिन और ग्लूटामिक एसिड, ये चारों ही क्या है? नॉन असेंशियल है बेटा। तो आपका तो आंसर तो हो गया। फिर भी देखते हैं, देखो प्रोलिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, मिथियोनिन जो है, मिथियोनिन ये असेंशियल हो गया, तो इस पे नहीं जा सकते आप। सिस्टीन, टाइरोसिन, एलानिन, आइसोल्यूसिन, ये क्या हो गया? आइसोल्यूसिन असेंशियल अमीनो एसिड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, जिसमें सारे कौन है? नॉन असेंशियल। फॉर्म द फॉलोइंग ग्रुप, सेलेक्ट द वन विच हैज फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप, सेलेक्ट द वन विच हैज ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बेटा याद रखना, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म में बनेंगे और मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनेंगे लेकिन उनका मेटाबॉलिक रिएक्शन में कोई रोल नहीं होगा। तो आपके एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल में, जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल दिए हैं। तो बताओ इसमें कौन से हैं जिसमें सारे सेकेंडरी हैं? तो देखो, इसमें एब्रीन, सेल्लोज, आर्जिनिन नहीं होगा बेटा, आर्जिनिन और टाइरोसिन तो क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट है। ग्लाइसिन यही नहीं होगा, ग्लाइसिन इज अमीनो एसिड इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट, छोड़ो इसको। कैरोटिनोइड, फिनाइल एलानिन ये नहीं होगा। कौन? कैनावेलिन, ए, मोर्फिन, कोडीन एंड विनब्लास्टिन, ये चारों कौन है? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर किसके है बेटा? दिख रहा है सभी को, ये है ग्लिसरॉल, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ये सीधा जाओ इस पे, ये ग्लिसरॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर नॉट फाउंड इन प्लांट्स? प्लांट में कौन शुगर नहीं होती है बेटा? प्लांट में लैक्टोज नहीं होती है। लैक्टोज किसमें होती है? मिल्क शुगर एनिमल में मिलेगी, और बाकी फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होती हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंक इज ब्रोकन इन द डाइजेशन ऑफ, ये देखो कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं, तो आपको ये पता करना है कि इनमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसमें है। तो आप पता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसमें होता है बेटा? पॉलीसेकेराइड, दैट इज स्टार्च। तो स्टार्च में क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स हैं बिटवीन द ग्लूकोज रेजिड्यूज। तो आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा, स्टार्च। इन गिवन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई ए। ओके, तो गिवन स्ट्रक्चर कौन सी है? स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए बेटा, बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये नाइट्रोजनस बेस है, ये कोई शुगर है, और ये है फॉस्फेट। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर में यहाँ पर ये बॉन्ड कौन सा है बेटा? दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलोगे इसको? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो एक कौन है यहाँ पर? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। व्हाट इज डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई इन गिवन ग्राफ? एनसीईआरटी का ग्राफ है बेटा, ये देखो एक्स जो है, एक्स ध्यान से देखो, ये ट्रांजिशनल स्टेट है। तो यहाँ पर एक्स कौन है? एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, और जो वाई है वो कौन है? एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, क्योंकि एंजाइम क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। और यहाँ पर क्या है? विदाउट एंजाइम, और ये क्या है? विद एंजाइम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ, एक्स इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम एंड वाई एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो आपका फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको ट्रू स्टेटमेंट को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो बेटा आप कभी सेलेक्ट कर पाओगे जब आपको प्यूरिन और पिरिमिडिन जो है उनकी स्ट्रक्चर याद होंगी। ओके, तो एडिनिन हैज 4 नाइट्रोजनस एटम्स इन रिंग। तो एडिनिन की स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। एडेनिन की मैं एक बार रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, केवल मैं ये क्या है नाइट्रोजन कार्बन एन एन और ये कार्बन। तो बताओ ये एडेनिन की मैंने एक रफ स्ट्रक्चर बनाई, तो इसमें नाइट्रोजन कितने हैं 1 2 3 4, तो इस रिंग में नाइट्रोजन कितने हैं 4। तो आपने ट्रू के बारे में बताना है, तो एडेनिन हैज 4 नाइट्रोजन एटम इन रिंग, ये बिल्कुल सही हो गया, पहला ऑप्शन सही है। साइटोसिन है, साइटोसिन में नाइट्रोजन एटम कितने होते हैं बेटा याद रखना, क्योंकि साइटोसिन क्या है पिरिमिडिन, उसमें 2 ही नाइट्रोजन होते हैं, इसने बोला 3 तो ये गलत हो गया। ग्वानोसिन में 4 ही होंगे सिमिलर टू द एडेनिन, तो ये भी गलत हो गया। यूरेसिल में कितने होंगे 2 ही होंगे, तो गलत हो गया। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू द कोडोन एंड द अमीनो एसिड कोडेड। ये जो जेनेटिक कोड है वो थोड़े याद कर लेना, उनसे एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, आ गया तो स्कोरिंग है। देखो बेटा GUC किसको कोड कर रहा है, ये कह रहा है कि GUC कोड्स फॉर ट्रिप्टोफेन। याद करो बेटा जो GUC है वो किसको कोड करता है, GUA, GUC, GUG, वेलिन को, ट्रिप्टोफेन को कोड करता है UGG, ये याद करने होंगे आपको। AGA कोड्स फॉर आर्जिनिन, बिल्कुल सही है। ACC कोड्स फॉर किसको कोड करेगा ACC, थ्रियोनिन को, इसने बोला है ग्लूटामीन, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन कोड्स सेम इंफॉर्मेशन एज UGC। UGC कोडोन है, ये कह रहा है कि इनमें कौन सा है जो UGC के सेम इंफॉर्मेशन को क्या करेगा कोड करेगा। तो यहाँ देखो ये है UGU, ये UGA, बेटा UGA UAG ये तो दोनों क्या हो गए स्टॉप कोडोन हो गए, तो इनकी तो बात ही क्या हो गई खत्म हो गई। याद करो UGG जो है वो किसको कोड करता है ट्रिप्टोफेन को, अभी आया था ये थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पहले वाला। तो UGC जो है UGU के सेम ही क्या करेगा अमीनो एसिड को कोड करेगा। कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। ये देखो ट्रिप्टोफेन के लिए हो गया, स्टॉप कोडन हो गए, तो सेम इन्फॉर्मेशन इसकी और इसकी क्या है इन्फॉर्मेशन सेम है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। न्यू स्ट्रेन्स दैट सिंथेसाइज्ड इन स्मॉल पीस एंड देन ज्वाइंड टुगेदर ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड। सब जानते हो बेटा लैगिंग स्ट्रैंड, कॉन्सेप्ट पता है ना, ये अभी बताया था। ये कंटिन्यूअस सिंथेसाइज स्ट्रैंड इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ अमीनो कार्बोक्सिलिक एंड आर ग्रुप, बिल्कुल सही है बेटा। इनकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो किसकी वजह से होती है अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड आर ग्रुप, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये भी सही है। ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप, ये भी स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ओके तो दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, तो आप सेलेक्ट करो, बोथ A एंड B आर करेक्ट। ओके, हाउ मेनी ग्लूकोज यूनिट आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 सुक्रोज एंड 1 लैक्टोज एंड 1 माल्टोज। बेटा सुक्रोज में क्या क्या होता है, सुक्रोज में बताएं, सुक्रोज जो है उसमें होगा क्या एक तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लैक्टोज में क्या होता है गलैक्टोज प्लस ग्लूकोज, और माल्टोज में क्या होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा हाउ मेनी ग्लूकोज यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो आपको तीनों मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो सारे सेपरेट हो जाएंगे मोनोसेकेराइड, तो ग्लूकोज यूनिट कितनी मिलेंगी आपको, तो देखो 1 2 3 और 4 पक्का ये सामने आपके, तो आपको कितने यूनिट ग्लूकोज की मिलेंगी 4 यूनिट मिलेंगी, 2 माल्टोज से, 1 सुक्रोज से और 1 किससे लैक्टोज से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ट्राइग्लिसराइड कंसिस्ट, सब जानते हो बेटा ट्राइग्लिसराइड में एक तो ग्लिसरॉल होता है और 3 क्या होते हैं फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, आंसर इज सेकेंड। कोफैक्टर फॉर द प्रोटोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज, तो इस कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का जो कोफैक्टर है जो मेटल आयन है कौन होता है, डायरेक्ट याद करना है जिंक। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए आपके जूलॉजी के, जूलॉजी वाले सर जेनेटिक्स वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूलर के क्वेश्चंस। ओके हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 41 से आगे बात करते हैं, जिसमें अपने जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, आओ बात करते हैं। तो 41 में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट जो हैं उनके रेस्पेक्ट में अपने को बात करनी है ना। तो सबसे पहले इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस is an example of pre-Mendelian concept of blending inheritance। अगर ब्लेंडिंग की बात करें जिसमें कोई जो डिसिमिलर एलील्स हैं, जिसमें कोई एक दूसरे में कोई परिवर्तन करे, कोई चेंजेस लाए, उसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है वो ब्लेंडिंग से रिलेटेड नहीं है ना, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया। बाकी टेस्ट क्रॉस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस के अंदर दो उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आउट क्रॉस और एक है टेस्ट क्रॉस, जिसमें आउट क्रॉस में जो अननोन जीनोटाइप वाला जो इंडिविजुअल है उसका क्रॉस डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट से किया जाता है, और टेस्ट क्रॉस में अननोन जीनोटाइप वाले जो प्लांट या ऑर्गेनिज्म का क्रॉस है डबल रिसेसिव पेरेंट से किया जाता है ना। तो ये सही है कि जो टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस का ही एक टाइप है ना। क्रोमोसोमल एबरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल, बिल्कुल सही है, बिकॉज कैंसर सेल आर जेनेटिकली अनस्टेबल, दैट्स व्हाई क्रोमोसोमल एबरेशन जो है वो कैंसर सेल में ज्यादा देखा गया है ना, क्योंकि उनके जो क्रोमोसोम हैं उनमें स्ट्रक्चरल चेंजेस ज्यादा आते हैं। During genetic recombination in meiosis 1, prophase 1 and Pachytin stage है ना, तो इसीलिए कैंसर सेल जो जेनेटिकली ज्यादा अनस्टेबल होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। थैलेसीमिया इज ए मेंडेलियन डिसऑर्डर इन विच द इनहेरिटेंस इज लाइक मेंडेलियन है ना, जैसे मेंडल ने पाइसम सेटाइवा में कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसमिशन की बात की थी, बिल्कुल वैसे ही जीन म्यूटेशन से जो अलग अलग डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, जैसे PKU है, सिकल सेल एनीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, ये सब मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करते हैं। बाकी जो एन्यूप्लॉयडी यूप्लॉयडी में जो अपन बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, एन्यूप्लॉयडी में मोनोसोमी ट्राइसोमी, वो सब नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो नहीं करते हैं ना। तो करेक्ट पूछा है तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्टी टू देखें, इसमें पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स, मतलब सेक्स डिटरमिनेशन के लिए हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला, नहीं, ये फीमेल है, मेल के लिए ड्रोसोफिला में XY कंडीशन है, बट Y क्रोमोसोम इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ मेल है ना, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। XX की जगह क्या आता? XY आता, तो ये तो गड़बड़ हो गया। सेकेंड देखें, होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम ZZ डिटरमाइन द फीमेल सेक्स inverse, now ZZ condition determine the maleness, but ZW condition is responsible for femaleness है ना, in the verse, that's why this statement is also wrong है ना। थर्ड वाला देखें कि XO type of sex chromosome determine male sex in grasshopper, हाँ insects जो हैं जैसे grasshopper है उसमें XO condition, यहाँ पे O का कोई मतलब नहीं है, इसमें एक सिंगल X क्रोमोसोम होता है, तो 50% जो उनके कुछ इंसेक्ट में 50% जो उनके स्पर्म है उनमें X क्रोमोसोम होगा, कुछ में नहीं होगा है ना, तो ये मेल को डिटरमाइन करती है ये कंडीशन, ये ठीक है। XO कंडीशन इन ह्यूमन एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स, ये एक्सो कंडीशन ह्यूमन में फीमेल में सेक्स डिटरमिनेशन के लिए इन्वॉल्व नहीं है। XY कंडीशन है और Y क्रोमोसोम अगर बात करें तो मेल में सेक्स डिटरमिनेशन के लिए Y क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, लेकिन XO कंडीशन जो ह्यूमन फीमेल में क्रिएट हुई है ये एक अबनॉर्मल कंडीशन है ना, जो क्रोमोसोमल नॉन डिजंक्शन का रिजल्ट है, और इसमें जो फीमेल है उनमें फर्टिलिटी जो वो डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो ये एक अबनॉर्मल कंडीशन है और ये एक्सो कंडीशन कोई सेक्स डिटरमिनेशन से इन्वॉल्व नहीं होती है ना, तो इसमें करेक्ट पूछा है तो थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। Okay. To study the natural phenomena of inheritance, Mendel select pea plant है ना. Which of the following property were suitable? मतलब क्वेश्चन ये है कि मेंडल ने अपनी स्टडी के लिए पाइसम सैटाइवम का सिलेक्शन क्यों किया ना. तो चलो देखते हैं. प्लांट वर इजिली ग्रोन इन गार्डन सोयल विद ए कंसिडरेबली शॉर्टर जनरेशन टाइम. छोटे जनरेशन टाइम के साथ उसको इजीली कल्टीवेट किया जा सकता है. छोटा जनरेशन टाइम होगा तो अगली जनरेशन जल्दी मिलती है, तो ये परफेक्ट है. प्लांट वुड इजीली सेल्फ पोलिनेट और क्रॉस पोलिनेट, ये भी सही है. नेचुरली उसमें सेल्फिंग मतलब वो बाइसेक्सुअल प्लांट है. बाकी इमेस्कुलेशन से और आगे की जो प्रोसेस है उसमें क्रॉस पोलिनेटिव इसको करवाया जा सकता है. मेनी पार्ट ऑफ प्लांट सच एज पॉड, सीड, फ्लावर, कोटाइलिडोन्स सो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप, मतलब अल्टरनेटिव जो ट्रेट्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वो प्रेजेंट होते हैं. पी प्लांट डू नॉट रिक्वायर द ट्रू ब्रीडिंग लाइन. नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रू ब्रीडिंग लाइन तो सही है ना. मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले मेंडल ने कॉन्टिन्यूसली सेल्फिंग करके प्योर लाइन डेवलप की थी, कई वेराइटीज डेवलप की थी. और उसके बाद में सेकेंड स्टेप पे दो प्योर वेराइटी किसी एक करेक्टर के लिए उनमें हाइब्रिडाइजेशन कराया था. और फिर उसमें जो F1 आई थी उसमें लगातार क्या डेवलप किया गया था, सेल्फिंग है ना. तो यहाँ पे लिखा है कि डू नॉट, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना. तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट देख रहे हैं. सिकल सेल एनीमिया इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ जीन म्यूटेशन, और उसमें भी पॉइंट म्यूटेशन का क्लासिकल एग्जाम्पल है. सिंगल जीन जो है मतलब जीन में एक सिंगल पॉइंट पे बदलाव आता है. डिलीशन और गेन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए डज नॉट रिजल्ट इन अल्ट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम. नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया. अगर क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट डिलीट हो जाए, नया वहाँ पे एड हो जाए, तो इससे क्रोमोसोमल अबरेशन आता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है ना. तो ये तो रॉन्ग हो गया, इसमें डू नॉट लिखा है इसलिए ना. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज रिजल्ट ऑफ डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन सबसे डेंजरस टाइप का जीन म्यूटेशन होता है, जिसमें इंसर्शन या डिलीशन से किसी एक बेस पेयर के फ्रेम या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी या बैकवर्ड शिफ्ट होगी. लेकिन कैसे भी शिफ्ट हो, जो mRNA बनेगा उसमें जो ट्रिपलेट बनेगा वो सारे के सारे बिल्कुल नए होंगे. सारे के सारे मतलब मोस्ट ऑफ आगे की तरफ जो है, पॉइंट ऑफ इंसर्शन से आगे जितने भी है वो सारे के सारे mRNA में ट्रिपलेट अलग होंगे. तो एमाइनोसिड प्रोटीन में जितने भी उसके रेस्पेक्ट में सारे अलग होंगे, तो ऐसी प्रोटीन फंक्शन नहीं करेगी है ना. तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है. म्यूटेशन जनरली चेंज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. म्यूटेशन होगा तो जीन की स्ट्रक्चर या उसमें बदलाव आएगा, तो अगर जीन की स्ट्रक्चर बदली तो फिनोटाइप भी चेंज होगा, ये भी सही है ना. तो आंसर हो जाएगा सेकेंड. थैलेसीमिया, यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया की बात हो रही है. अल्फा थैलेसीमिया, तो अल्फा थैलेसीमिया जो है उसमें जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 16 भी होते हैं, HBA1, HBA2 दो टाइप के होते हैं ना. तो ड्यू टू म्यूटेशन एंड डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द फोर जीन. फोर जीन का मतलब यहाँ पर जैसे ये आप लोग देखो, ये वाली कंडीशन है, ये 16 नंबर क्रोमोसोम है, पैटर्नल एंड मैटरनल. ये देखो ऐसे मान लो ये क्रोमोसोम है, तो वन ऑफ फोर जीन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये तो है HBA1 और ये HBA2, उसके दोनों एलील है. तो इन एलील्स के साथ काउंट करके इसको बोर बोला ना. इनमें से कोई एक डिलीट या म्यूटेट हो जाए तो उसका ये रिजल्ट होता है. एक भी डिलीट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं. तो ये तो ठीक है. एनीमिया इज एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर होगा ना, इसका एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर भी है. इसमें फंक्शनल हीमोग्लोबिन जो है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है. तो एनीमिया वाली कंडीशन तो है, ये भी ठीक है. अल्फा थैलेसीमिया इज जनरली कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन HBA1, HBA2, ये भी ठीक है. दीज जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 की जगह 16 आता. 11 वाला जो है वो बीटा थैलेसीमिया है ना, तो ये गलत हो गया. तो सही कौन से, ABC ये 4 नंबर. इफ ए मेल गेट रीमैरिज अगेन, कोई आदमी है उसकी दोबारा से मैरिज हुई है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है. एंड ब्लड ग्रुप ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ इज बी. पहली जो वाइफ उनकी थी फर्स्ट, उनका ब्लड ग्रुप क्या दिया है, बी दिया है. और प्रोजेनी क्या दी है, पहली वाइफ से जो प्रोजेनी थी. offspring is having blood group O. एक आदमी जिसकी पहली वाइफ का ब्लड ग्रुप B है और उसके जो बच्चे का ब्लड ग्रुप O था ना, तो O ब्लड ग्रुप है तो जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल आई है ना। इसका मतलब ये जो फीमेल थी वो हेट्रोजाइगस थी, आई भी स्मॉल आई, तो स्मॉल आई इधर से स्मॉल आई इधर से आया होगा, लेकिन अब इस फादर से स्मॉल आई दूसरा गया होगा ये वाला, तो स्मॉल आई ए वाली कंडीशन में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है और ओ में भी आ सकता है। ए में देखना आई ए स्मॉल आई, आई बी स्मॉल आई एंड स्मॉल आई स्मॉल आई। तो ये देखो, तो इस मेल का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है एंड ओ भी हो सकता है, लेकिन तीनों में कंफर्म क्या होगा उसके रिगार्डिंग आगे पूछा है। हिज सेकंड वाइफ ब्लड ग्रुप इज ए, उसकी जो सेकंड वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप क्या दिया है, ए दिया है, और उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है उसका ब्लड ग्रुप क्या दिया है, ए बी दिया है, यानी इससे गया होगा आई ए, तो फिर इनसे क्या गया होगा बी, बी बच गया। तो इसका मतलब है इस आदमी का ब्लड ग्रुप क्या रहा होगा, बी, और बी में भी हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये वाला सेकंड आंसर हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट, एबीओ ब्लड ग्रुप एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील इन विच पॉपुलेशन कंटेन्स 3 एलील, बिल्कुल सही है। एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील का ही एग्जांपल है, और इसमें एक इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंडिविजुअल में 2 एलील होते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर सारे एलील जो हैं वो मौजूद होते हैं। ऐसे देखो पॉपुलेशन में सब है, लेकिन एक इंडिविजुअल में 2 ही है। इन कोडोमिनेंस मेंबर ऑफ F1 जनरेशन डज नॉट शो सिमिलरिटी विद आइदर ऑफ पेरेंट। कोडोमिनेंस की बात की है कि उसमें जो दोनों पेरेंट है, तो आप लोग जानते हैं कि डोमिनेंस में F1 किसी एक पेरेंट जैसा है, कोडोमिनेंस में F1 दोनों जैसा है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 दोनों पेरेंट का इंटरमीडिएट है ना। इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस लॉ, नहीं ये तो यूनिवर्सल नहीं है ना, इसके तो कई एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, शूडो डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, कई एक्सेप्शन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नहीं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन नहीं है, ये डोमिनेंस जो है उसका एक्सेप्शन है। तो इसमें करेक्ट पूछा था और करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। एबीओ ब्लड ग्रुप जो ह्यूमन में है उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उसमें अपने को करेक्ट स्टेटमेंट देखने, ठीक है। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील, ये बहुयुग्मविकल्पी द्वारा नियंत्रित होता, सही है। आई ए, आई बी, स्मॉल आई, इट शो कोडोमिनेंस। एबीओ जो है कि इसमें कह रहा है कि ये कोडोमिनेंस शो करता है, हाँ इसमें सह प्रभाविता पाई जाती है। ये देखो आई ए, आई बी कोडोमिनेंस मतलब सह प्रभाविता भी हो रही है, सह प्रभाविता। इट एग्जिबिट प्लियोट्रोफी इन ह्यूमन, नहीं ब्लड ग्रुप से रिलेशन अगर रिलेट अगर करें एबीओ वाला तो ये प्लियोट्रोफी से रिलेटेड नहीं। प्लियोट्रोफी तो आप लोग जानते हैं एक सिंगल जीन जो उसके मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट होते हैं। इट फॉलो द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जैसे डोमिनेंस वाला है तो उसको ये कहाँ फॉलो कर रहा है, मेंडल उस वहाँ पे तो डोमिनेंस था लेकिन यहाँ पर कोडोमिनेंस आ रहा है जो कि एक्सेप्शन है। वहाँ पर 2 ही एलील थे लेकिन यहाँ पर एलील 2 से ज्यादा है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसके अंदर तो फिर अगर देखें करेक्ट अगर देखें तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। बाकी एक और होता ना कि इट शो डोमिनेंस तब भी सही होता, आई ए स्मॉल आई, आई बी स्मॉल आई है ना, तो स्मॉल आई पे आई ए भी डोमिनेंट है और आई बी भी डोमिनेंट है, लेकिन प्लियोट्रोफी नहीं है और मेंडल लॉ को फॉलो भी इतना नहीं करता है। फिर देखना करेक्ट दैट व्हेन डिस्टेंस, ये आप लोग देखो कि ये कोई क्रोमोसोम है, इसमें कुछ जीन है जैसे ए जीन, ये मान लो बी जीन, ये मान लो सी जीन। तो ए एंड बी जो है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है, तो इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर जो है वो भी कम होगा, इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कम होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा, क्योंकि इनके बीच में लिंकेज क्या है, ज्यादा है। फिर इधर देखना, ए और बी का कंपैरिजन किया। अगर हम लोग ए और सी की बात करें तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो ए एंड सी के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा होगा, इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी ज्यादा होगा। इसका मतलब है इनके बीच में लिंकेज क्या है, कम है। ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है लिंकेज के। तो when distance between gene on chromosome will increase, capacity of linkage will also increase, नहीं यहां पर आता decrease, इसलिए रॉन्ग हो गया। दूसरा देखें, when the distance between gene on chromosome will increase, capacity of linkage will decrease, ये ठीक है कि क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस और लिंकेज, है ना। तीसरा देखें कि when distance between gene on chromosome will increase, percent of crossing over will decrease, नहीं अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज भी तो बढ़ेगा, ये रॉन्ग हो गया। चौथा क्या है, इन ड्रोसोफिला जीन व्हाइट एंड आई, व्हाइट आई एंड येलो बॉडी आर लूजली लिंक्ड, नहीं आई कलर और बॉडी कलर का जीन टाइटली लिंक्ड है, और इसीलिए F2 के अंदर 98.7% जो है वो पेरेंटल टाइप के आए थे और 1.3% रिकॉम्बिनेंट आया था। लेकिन आई कलर और विंग शेप के जो जीन है कंपैरेटिवली दूर हैं, इसीलिए F2 के अंदर रिकॉम्बिनेंट टाइप के जो थे वो 37.2% आए थे, है ना, वहाँ पर ज़्यादा था। तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तो अपने को करेक्ट पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट के अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। ओके, इफ फादर इज कलर ब्लाइंड, फादर की अगर बात करें कि फादर कलर ब्लाइंड है, ये जीन ले लेते हैं, एंड मदर इज जीनोटाइपिकली नॉर्मल, और मदर जीनोटाइपिकली नॉर्मल दी है, देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड डॉटर। तो कलर ब्लाइंड डॉटर तो एक भी नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी डॉटर होंगी वो सारी की सारी कैरियर होंगी, फिनोटाइपिकली नॉर्मल होंगी। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट 0%। 51 देखें, सेक्शन ए के अंदर कि मेंडल नेम फैक्टर टू जीन, मेंडल ने जीन को फैक्टर बोला था, ठीक है। जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील, जैसे देखना कोई करेक्टर है, जैसे हाइट वाला, है ना। तो इस हाइट के दो ट्रेट हैं, इस हाइट के अगर ट्रेट की बात करें तो एक तो है टॉल और एक है ड्वार्फ। वैसे ही कोई जीन जो है ये करेक्टर की अल्टरनेटिव फॉर्म, तो ये जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, जैसे कैपिटल है, स्मॉल है, वो एलील्स हैं उसके, और यही एलील जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे बिल्कुल आमने सामने मौजूद होते हैं, और ये एलील जो हैं वो किसी करेक्टर की कॉन्ट्रास्टिंग जो फॉर्म है ट्रेट्स उनको कंट्रोल करते हैं। तो जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलील, सही है। इन F1 हेटेरोजाइगोट कैपिटल T स्मॉल t हैज सिमिलर अपीयरेंस एज कैपिटल T, बिल्कुल सही है। इन दोनों ही कंडीशन में फिनोटाइप सेम होगा, दोनों ही टॉल होंगे, तो ये भी ठीक है। अब पनेट स्क्वायर इज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, अलग अलग पॉसिबल जीनोटाइप है उनकी प्रोबेबिलिटी को वो कैलकुलेट करता है इस तरीके से। आप लोगों ने पढ़ा ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी 1/4, कैपिटल टी स्मॉल टी 1/2, स्मॉल टी 1/4। तो ये इसलिए फिनोटाइप की जगह जीनोटाइप आता, इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट डी, है ना, थर्ड आंसर हो जाएगा। चलो, If a colorblind and bald man, baldness is a sex influence traits. Its gene are located on autosome, but its expression is under the control of sex hormone. Baldness जो है वो ऑटोसोमल करेक्टर है और ये लिंग प्रभावित करेक्टर में आता है। इसका जीन जो है वो ऑटोसोम पे, लेकिन इस जीन का जो एक्सप्रेशन है वो सेक्स हार्मोन के कंट्रोल में होता है। और अगर बार्नेस की बात करें, मेल एंड फीमेल में देखना इसके लिए बी जीन होता है ऑटोसोम पे, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। तो अगर बाल्डनेस की बात करें तो इस जीनोटाइप में अगर देखें तो बाल्डनेस होगी, मेल में भी बाल्डनेस होगी। इस जीनोटाइप में बाल्डनेस नहीं होगी लेकिन मेल में होगी, क्योंकि मेल में कैपिटल बी हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट होता है और फीमेल में कैपिटल बी हेट्रोजाइगस कंडीशन में इतना डोमिनेंट नहीं है। इस कंडीशन में फीमेल में बाल्डनेस नहीं होगी, इस कंडीशन में भी बाल्डनेस मेल में नहीं होगी। यानी आदमी में पैटर्न ऑफ बाल्डनेस जो है वो ये कैपिटल बी जीन डिसाइड करता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड्रोजन के इफेक्ट से ये जीन जब एक्सप्रेशन होता है तो इस जीन का प्रोडक्ट हेयर रूट को वीक कर देता है जिससे गंजापन होता है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिलेट करते हैं कि कलर ब्लाइंड एंड बाल्ड मेन है, ठीक है, कलर ब्लाइंड एंड बाल्ड। तो कलर ब्लाइंडनेस मेल में तो उसका जीन है एक्स पे और मेल में एक ही एक्स है, दूसरा तो वही है, और वो बाल्ड है तो वो बाल्ड की कंडीशन तो मेल में ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। फिर भी चलो आगे देखते हैं। बाल्डनेस का मैं एक बार खाली छोड़ता हूँ, इसकी मैरिज जो है, अच्छा यहाँ पे दिया भी है कि कलर ब्लाइंड एंड बाल्ड मैन हुज फादर वाज नॉर्मल, यानी फादर नॉर्मल दिया है, इसका फादर नॉर्मल थे, इसका मतलब इसके फादर ऐसे थे, लेकिन इसमें तो बाल्डनेस है यानी मदर से कैपिटल बी आया होगा और फादर से स्मॉल बी। इससे कंफर्म हो गया कि ये जो मेल है ये बाल्डनेस के लिए हेटेरोजाइगस है। चलो मैरिज विद ए नॉर्मल वुमेन, नॉर्मल वुमेन दिया है यानी कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। वुज फादर वाज कलर ब्लाइंड विद नॉर्मल वुमेन, वुज फादर वाज कलर ब्लाइंड यानी फादर से इसके पास भी कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो आया है। एंड मदर वाज बाल्ड, मदर बाल्ड है, इसका मतलब मदर का जीनोटाइप ये रहा होगा स्मॉल बी सॉरी ये नहीं ये रहा होगा कैपिटल बी है ना। इसका मतलब है इसमें भी एक कैपिटल बी जीन मदर से आया है, स्मॉल बी जीन फादर से आया है ना। तो लास्ट में क्या पूछा है, देन फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इन मेल फीमेल के जीनोटाइप क्या है, तो ये देखो ये तो जीनोटाइप है मेल का और ये जीनोटाइप है फीमेल का। तो ऐसा कहाँ पे दिया, आप लोग चेक कर लो। ये वाली कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। रॉन्ग ऑप्शन देखना है, स्नैपड्रैगन और एंटीर हाइनम सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल सही है। थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील, मॉडिफाइड एलील जो जीन म्यूटेशन के बाद में रिसेसिव एलील है उसकी बात करते हैं, और उसमें नॉर्मल एंजाइम लेस एफिशिएंट भी बनता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम भी बनता है, और नो एंजाइम मतलब एंजाइम बनता भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। यहाँ पर अगर देखिए कि फीमेल में 8% और मेल में 0.5, ये उल्टा दे दिया, मेल में ज्यादा होता है फीमेल में कम होता है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो वो एक्स लिंक्ड है। मेल में एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के अपीयरेंस के चांस ज्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं, क्योंकि मेल में एक ही एक्स है, मेल में चॉइस नहीं है, फीमेल में 2 एक्स है, इसलिए फीमेल में चॉइस है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय मॉर्गन, ये ठीक है, ड्रोसोफिला पे वर्क करते हुए। गलत रॉन्ग पूछा है ना, तो रॉन्ग जो वो थर्ड हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ओके, स्नैपड्रैगन में लीफ कलर दिया है, यहाँ पर फ्लावर कलर होता है। पाइसम सेटाइवम में साइज ऑफ स्टार्स ग्रेन के रेस्पेक्ट में दिया है और कंप्लीट डोमिनेंस के रेस्पेक्ट में दिया है। तो स्टार्स ग्रेन साइज की बात करें तो कैपिटल बी स्मॉल बी पे इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, कंप्लीट डोमिनेंट नहीं था, तो ये भी गड़बड़ हो गया। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो को डोमिनेंस में आता है, जिसमें आरबीसी पे 2 टाइप की शुगर बनती है, ये परफेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड मतलब फोर्थ, जिसमें ओनली थर्ड दिया है। Which of the following character is expressed in both homozygous and heterozygous? Homozygous, heterozygous दोनों कंडीशन में तो जो डोमिनेंट जीन है वही एक्सप्रेस होता है। रिसेसिव जीन जो है वो ओनली होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस होता है ना। तो यहाँ पर जो 7 करेक्टर हैं पाइसम सेटाइवम के वो दिए हैं, और उनमें जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो होमो हेट्रो दोनों में एक्सप्रेस होगा। तो जैसे आप लोग देखें कि सीड एंड पॉड इनके कलर के रेस्पेक्ट में देखें तो एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। तो सीड में येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है, आप लोग जानते हैं, और पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है, कलर वाला है ना। तो देखिए कि ग्रीन पॉड कलर इन गार्डन पे, तो ये तो डोमिनेंट है, होमो में भी आएगा, हेट्रो में भी। रिंकल्ड तो रिसेसिव होता है, वो केवल होमो में आएगा। येलो सीड, ये देखो येलो सीड, होमो में भी हेट्रो में भी। इनफ्लेटेड मतलब फुल पॉड डोमिनेंट करेक्टर है, ये भी होमो में भी और हेट्रो में। ए सी डी आंसर हो जाएगा, मतलब थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस में अननोन जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल का डबल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस होता है, ये पता लगाने के लिए कि इसका जीनोटाइप क्या है, वो कितने टाइप के गेमेट बना रहा है ना। क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विद डबल रिसेसिव जीनोटाइप बिल्कुल सही है। टू डिटरमाइन वेदर F1 प्लांट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ये भी ठीक है। क्रॉस बिटवीन ए होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्लांट, नहीं ये गड़बड़ हो गया। क्रॉस जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव और अननोन जीनोटाइप जो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है उसके बीच होता है। बाकी इसमें फिनोटाइप जीनोटाइप सेम रहता है। जैसे ये वाला देखना कि अगर वो हेटेरोजाइगस है और इसे क्रॉस हुआ तो फिनोटाइप और जीनोटाइप एक रेशियो बराबर आएगा, 1:1 है ना। तो गलत कौन सा हो जाएगा? थर्ड। क्लासिकल एग्जाम्पल जो पॉइंट म्यूटेशन का है, सिकल सेल एनीमिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट म्यूटेशन के रेस्पेक्ट में एलील को शो किया है। जैसे ये नॉर्मल जीन के रेस्पेक्ट में है, जैसे सीटीसी, जीएजी और एमआरएनए जो बना वो बना जीएजी, इसे बीटा चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटेमिक एमिनो एसिड आया। फिर पॉइंट म्यूटेशन के बाद जो अब नॉर्मल जीन है उसको मार्क करके छोड़ दिया, आपको पूछा है। तो देखें कि इसमें टी की जगह आ जाएगा ए, तो CAC हो जाएगा। ये पॉइंट म्यूटेशन में बेस सब्स्टिट्यूशन के अंदर ट्रांसवर्जन टाइप का पॉइंट म्यूटेशन है जिसमें थाइमिन जो है वो रिप्लेस हो जाता है एडेनिन से। तो यहाँ पे होगा CAC और CAC के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें जैसे यहाँ पे है ना, T की जगह क्या आ जाएगा? CAC। तो CAC के अकॉर्डिंग जो GAG है वो चेंज हो जाएगा GTG, क्योंकि A का एंटी क्या हो जाएगा? T, और इससे यहाँ पे 6 पोजीशन पे जो R लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा? वैलिन। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, 4 स्टेटमेंट दिए A, B, C, D। तो आप लोग देखें ये टेस्ट क्रॉस है, ये सेल्फिंग है, ये जो है आउट क्रॉस है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना। करेक्ट पूछा है क्या? हाँ, करेक्ट फिनोटाइप रेशियो के अकॉर्डिंग देखना है, फिनोटाइप जीनोटाइप। तो टेस्ट क्रॉस बी के लिए टेस्ट क्रॉस नहीं, बी तो टेस्ट क्रॉस नहीं है, बी तो सेल्फिंग का केस है। सी मोनो हाइब्रिड नहीं, गड़बड़ हो गया, ये तो आउट क्रॉस वाला है। और थर्ड में डी के रेस्पेक्ट में डाई हाइब्रिड तो ठीक है, और इसमें फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 आता है, सही है, और जीनोटाइपिक रेशियो ये भी आता है 1:1, 2:4:1:1, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और ए में क्या दिया? आउट क्रॉस नहीं, ये तो टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस ये है, ये वाला है। आउट क्रॉस कौन सा? ये सी वाला आउट क्रॉस है, तो ये गड़बड़ हो गया। इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ह्यूमन स्किन के रेस्पेक्ट में जो कि पॉलीजेनिक है, जिस जो ABC 3 जीन से कंट्रोल होता है, तो मल्टीपल जीन कंट्रोल करते हैं 3 ABC, ये भी ठीक है। सिंगल जीन नहीं है, 2 जीन भी नहीं है, 3 जीन है। एनवायरमेंट का उसमें रोल होता है, अगर स्किन पे लाइट गिरती है तो वहां की सेल्स में मेलेनिन प्रोडक्शन ज्यादा होगा और वो कलर वहां का डार्क हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन देखना है अपने को। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ का है फोर्थ में है ना, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, कॉलम मैचिंग वाला है। डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है, तो ए का हो जाएगा सेकंड। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है ना, और 44+X कंडीशन है ना, तो 45 क्रोमोसोम हो गए, तो इसका हो गया 4। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, तो इसका हो गया फर्स्ट। और थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है जिसमें फंक्शनल हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी अफेक्टेड होती है, और सिकल सेल एनीमिया में फंक्शनल हीमोग्लोबिन की क्वालिटी इफेक्ट होती है। तो ए का टू दो जगह आ रहा है, बी का फोर, सी का 1, डी का 3 आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलो तो ये 60 तक जो है वो आपके जेनेटिक्स वाले क्वेश्चन हो गए। आगे आपके बायोटेक वाले क्वेश्चन। ओके, अब बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 61। ये बायोटेक के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। देखो कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आगे आपके। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। अपन तो स्टेटमेंट को रीड करेंगे और यही बता देंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट है। स्टेनले कोहेन एंड स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट स्टडीड सम यूजफुल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ ई कोलाई बैक्टीरियम। बेटा स्टेनले कोहेन जो है उसने किस पे स्टडी की थी? उसने स्टडी की थी वेक्टर पे, प्लाज्मिड पे, आरई पे स्टडी नहीं की थी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हर्बर्ट बोयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को डेवलप ए मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड एंड रीइंसर्टिंग अदर इन अदर सेल। हर्बर्ट बोयर ने स्टडी की थी आरई पर, ना कि प्लाज्मिड पर। तो ये रिवर्स हो गए। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? ये इनकरेक्ट हो गए। तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, दोनों की बातें बता रखी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट ब्रॉट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड फूड प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड बाय स्टेनले एंड कोहेन, एंड हर्बर्ट बोयर इन द ईयर 1972। ये भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्होंने बनाया था। हाउ मैनी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इसमें 4 में से करेक्ट कितने हैं बेटा? 2 ही हैं। तो आप आंसर करो सीधा थर्ड आंसर। All the following techniques are included in biotechnology except, देखो बेटा developing a DNA vaccine यूज करते हैं। DNA vaccine जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं अपन by the help of biotechnology। curd making भी आएगा। in vitro fertilization leading to test tube baby, बिल्कुल सही है। improving crop varieties by classical plant breeding, ये biotech में कंसिडर नहीं करेंगे अपन। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। EFB definition of biotechnology encompasses, तो जो EFB है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसने बायोटेक को डिफाइन किया है। और इसने बायोटेक की डेफिनेशन में दोनों मॉडर्न और ट्रेडिशनल व्यू दोनों को यूज किया है। तुम्हारी एनसीईआरटी का पॉइंट हो गया बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी। ओके, स्टेटमेंट आगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द ऑप्शन विच करेक्टली रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो अपन स्टेटमेंट पे फोकस करें। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर ऑफन लीड इंक्लूजन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, बिल्कुल सही बात है बेटा। जो अपन हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं उसमें जो पेरेंट्स हैं उनसे जो हाइब्रिड बनेंगे उनमें डिजायरेबल जीन के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका ड्रॉबैक भी है हाइब्रिडाइजेशन का। तो स्टेटमेंट तो सही है, ट्रू है। बायोटेक्नोलॉजी अलाउ इंक्लूजन ऑफ ओनली डिजायरेबल जीन, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। बायोटेक में अपन क्या करते हैं? आरडीएनए टेक्नोलॉजी, वी ऑब्टेन ओनली द डिजायर्ड जीन्स, और डिजायर्ड जीन को ही वेक्टर की हेल्प से होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। तो केवल कौन गई? डिजायरेबल जीन्स। तो बिल्कुल ट्रू है ये भी। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इन्वॉल्व मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस। जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, जो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं अपन? कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस, बोले तो एनवायरमेंट प्रिपेयर करते हैं ताकि आपका जो होस्ट है वो ही ग्रो करे और प्रोडक्ट क्या मिले आपको? ज्यादा अमाउंट में मिले। तो ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। नेक्स्ट चलें। एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज लिंक्ड विद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट सो दैट इट कैन मेक मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज। अगर आपको जीन को क्लोन करवाना है तो आपको उसको ऐसे डीएनए के साथ जोड़ना होगा जिसके पास क्या है? ओरी साइट है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो यहाँ तो सारे ट्रू हो गए, कोई बात नहीं है। ऑप्शन देखो ए बी सी डी जिसमें ट्रू 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 है। तो ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। ओके, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम ऑफ। तो लिंकिंग का काम कौन सा एंजाइम करवाएगा बेटा? डीएनए लाइगेज। ओके, द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड बाय लिंकिंग। तो अभी आया था क्वेश्चन, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, किसने बनाया था? स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने प्लाज्मिड लिया, किसका? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का, और किसके साथ जोड़ा? एक जीन ली, कौन सी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो देखो बाई लिंकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला हो गया, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड इन द ईयर, कौन से ईयर में डिस्कवर हुए थे बेटा इन 1963। चूज द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू हिंड सेकंड। आप जानते हो बेटा हिंड सेकंड जो है वो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज है, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आपको क्या करना है ऑड वन जो इनकरेक्ट है वो सेलेक्ट करना है। बोलो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज बिल्कुल सही है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज 8 बेस पेयर लॉन्ग, गलत हो गया बेटा, इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो 6 बेस पेयर लॉन्ग होता है। तो यही तो आपका आंसर तो हो गया। फिर देखो आइसोलेट एंड करेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर द डिस्कवरी ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, बिल्कुल सही है, आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया। तो सेकंड क्या हो गया ऑड हो गया। ये आपको एक अच्छा क्वेश्चन डिजाइन कर रखा है, give below a diagrammatic representation of the recombinant DNA technology, choose the option which correctly। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम बेटा, देखो ये फॉरेन डीएनए है, ये प्लाज्मिड है, एज ए वेक्टर काम में लोगे तो ये एक इसको रिप्रेजेंट करेगा, इनको दोनों को अपन क्या कराएंगे बेटा कट करवाएंगे, किससे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, जो दोनों ही क्या होंगे सेम होने चाहिए। ओके बी क्या है, इनको आपस में लाइगेट करवाएंगे डीएनए लाइगेज, और उसके बाद में ये जो आरडीएनए बनेगा इसको अपन सी, यहाँ है ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, होस्ट सेल में क्या करेंगे इसको ट्रांसफर करेंगे। तो बताओ यहाँ पर ए कौन होगा सेम एंडो न्यूक्लियस, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस देखते हैं। बी क्या होना चाहिए अभी बताया मैंने डीएनए लाइगेज, और सी जो है वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके अकॉर्डिंग तो कौन सा बैठेगा बेटा आपका फोर चला जाएगा। ओके इफ ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट देन Which type of end will not produce? अगर आप रेस्ट्रिक्शन साइट में क्या करोगे कट करवाओगे, आरी कट करेगा बिल्कुल सेंटर पे ना, कहाँ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा बेटा इस तरह से कुछ आपको एंड्स मिलेंगे, और आप जानते हो बेटा ऐसे एंड्स जो है क्या कहलाते हैं स्टिकी एंड्स। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं नॉट प्रोड्यूस, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर स्टिकी एंड, ये तो बिल्कुल सही है स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा। सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड, देखो यहाँ पर ये सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन है, इधर सिंगल, तभी तो क्या हो गई स्टिकी एंड हो गई, ये भी सही है। ओवर हैंगिंग स्ट्रेच ऑन ईच स्टैंड, दोनों में ओवर हैंगिंग स्ट्रेच प्रेजेंट है, तभी क्या है ये स्टिकी एंड है। ब्लंट एंड ये नहीं करेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस, ब्लंट एंड प्रोड्यूस तब करेगा जब वो रेस्ट्रिक्शन साइट में बिल्कुल सेंटर पे कट करे, तो फिर एंड कौन से होंगे ब्लंट एंड। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर चार्ज्ड, सभी को पता है बेटा डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला आ गया, तो ये नेगेटिव और यहाँ क्या जाएगा मूव टुवर्ड्स द एनोड, तो आपका आंसर क्या होगा नेगेटिवली एनोड, थर्ड आंसर हो जाएगा। ओके बेटा तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट मैच कर देते हैं अपन। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द जेल पीस, उस टेक्निक को अपन बोलते हैं बेटा देखो इल्यूजन, ये रहा इल्यूजन। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स एगेरोजेलेटोफोरेसिस से मैच कर दो। ये आ गया आपका स्टेनिंग ऑफ डीएनए, तो डीएनए को स्टेन करना है तो अपन क्या यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। एगेरोजेल किससे ऑब्टेन करते हैं सीविड से, कर लोगे, मैचिंग वाले क्वेश्चन वैसे ही होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट दे रखे हैं बेटा ए एंड बी। कॉपी नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज इज वेरी हाई, आप जानते हो बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर 1000 अबाउट 1000 होता है, जो अपने होस्ट में डीएनए की 1000 कॉपी बना लेता है तभी 1000 प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा। स्टेटमेंट क्या है ये करेक्ट है। स्टेटमेंट बी कॉपी नंबर डिपेंड ऑन ओरिसाइट, याद करो ओरिसाइट ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो एक काम करो ओनली स्टेटमेंट ये बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, आंसर थर्ड। If you ligate alien piece of DNA in plasmid whose copy number is 15, अभी देखो सेम कॉन्सेप्ट आ गया, जिसका कॉपी नंबर 15 है प्लाज्मिड का, उसकी ओरिसाइट जो है 15 कॉपी बनाने में हेल्प करेगी, तो उसके साथ आपने डीएनए को लाइगेट कर दिया, तो बताओ आपको फिर होस्ट सेल में कितने डीएनए मॉलिक्यूल ऑब्टेन होंगे जो डिजायर्ड जीन आपने लाइगेट की है। तो ऑब्वियसली कॉपी नंबर जो 15 है तो उनका कॉपी भी कितनी होंगी, कितनी कॉपी जनरेट करेंगे वो 15, आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। Select the correct statement. Native E. coli cell are resistant to chloramphenicol and kanamycin. गलत हो गया बेटा, जो E. coli होती है जनरली इनके लिए सेंसिटिव होती है, ना कि रेजिस्टेंट होती है. A cloning vector should have many recognition sites for single restriction enzyme. ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. क्लोनिंग वेक्टर शुड हैव, भाई क्लोनिंग वेक्टर जो है उसमें एक आरी के लिए बेटा एक ही क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए. अगर ज्यादा हो गए तो बहुत सारे फ्रेगमेंट जनरेट करेगा, जिससे आपका जीन क्लोनिंग क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटिव. प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग साइट फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन क्लोनिंग वेक्टर इज अ डिजायरेबल फीचर. बिल्कुल सही है, क्लोनिंग साइट इसमें 1, 2, 3, 4, लेकिन ये अलग अलग किसके लिए है, आरी के लिए है. तो यही तो कहना चाह रहे हैं, एक क्लोनिंग वेक्टर में विभिन्न प्रतिबंधन एंजाइमों के लिए क्लोनिंग स्थल की उपस्थिति एक वांछनीय लक्षण है. एक आरी के लिए एक ही होगा, बहुत सारे आरी साइट्स हैं लेकिन अलग अलग डिफरेंट आरी के लिए वो प्रेजेंट है. रिकॉग्निशन साइट ऑफ पीवी सेकंड इज प्रेजेंट इन एमपीआर. बिल्कुल सही है, जो सॉरी गलत हो गया ना स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट हो गया. पीवीयू सेकंड प्रेजेंट इन एमपीआर ना, पीवीयू फर्स्ट होता है किसमें, एमपीआर में. पीवी सेकंड किसमें होता है बेटा, रोप जीन के अंदर होता है. तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था, कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा. ए रिसर्च स्टूडेंट वाज यूजिंग pBR 322 एज क्लोनिंग वेक्टर. ही लाइगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट एट साल 1 साइट. बेस्ड ऑन दिस चूज द करेक्ट ऑप्शन. अगर आपने pBR 322 लिया है और आपने उसमें एलियन जीन को कहां पर लाइगेट किया है बेटा, साल 1 साइट पे. और साल 1 साइट जानते हो किसमें होती है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर. तो अगर आरडीएनए बनेगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है उसको क्या कर देगा, आपका जो डिजायर्ड जीन है वो इनएक्टिवेट कर देगा. सो द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बिकम सेंसिटिव टू द टेट्रासाइक्लिन. तो उसके अकॉर्डिंग आप बताओ जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है. तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो दोनों के लिए क्या होंगे, सेंसिटिव. जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं सेंसिटिव टू द टेट्रासाइक्लिन बट रेजिस्टेंट टू द एम्पिसिलिन, एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स रेजिस्टेंट टू बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. तो बताओ करेक्ट ऑप्शन. नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो ऑन बोथ ना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दोनों मीडियम पे ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि वो सेंसिटिव है, तो ये नहीं होगा. ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम. तो ट्रांसफॉर्मेंट जो है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों ही किसमें ग्रो करेंगी, एम्पिसिलिन मीडियम में. तो बिल्कुल सही है, नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो नॉट ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम. नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे ग्रो करेंगी, इसने क्या बोला, नॉट ग्रो. तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. रिकॉम्बिनेंट्स विल नॉट ग्रो ऑन एम्पिसिलिन, रिकॉम्बिनेंट्स जो है एम्पिसिलिन मीडियम पर ग्रो करेंगे. कॉन्सेप्ट है बेटा ये पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए, एनसीईआरटी के अंदर पूरा प्रोग्राम दे रखा है. ओके, आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड. सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट. बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या करते हैं, उसको अपन कैल्शियम से ट्रीट करवाएंगे. ओके, और उसके बाद में उसको अपन क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, फिर 42 और फिर 0 पे ले आएंगे. तो देख लो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हीट कर कैल्शियम, ये क्या हो जाएगा, बी वाला पहले आ जाएगा. फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनक्यूबेट बैक्टीरियल सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, ए हो जाएगा. फिर सी, हीट सोक दो, और उसके बाद पुट देम बैक टू आइस. तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन करेक्ट सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये सारे सीक्वेंस आपके आरडीएनए टेक्नोलॉजी के. सबसे पहले क्या होता है, आप बताओ, आपने रीड कर लिया ना इसको, देखें सबसे पहले क्या करते हैं अपन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट. सबसे पहले अपन डीएनए को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम द सेल, फिर उस डीएनए को कट करवाएंगे आरी से. तो पहला तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा. ओके, पहली स्टेप. फिर क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. बिल्कुल सही है. फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट. जैसे ही फ्रेगमेंट बनेंगे उनको आइसोलेट करेंगे और क्या करेंगे अपन, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर. फिर उनको ट्रांसफर करेंगे किसमें, होस्ट सेल में. ये 4 हो जाएगा और बाद में प्रोडक्शन को ऑब्टेन कर लेंगे, ये हो जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंग देखो A B C, फिर E आएगा और लास्ट में क्या आएगा, D आएगा. तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. PCR का क्वेश्चन आ गया बेटा. इन PCR ए ब्रेक ड्यूरिंग डीनेचुरेशन. तो जब डीनेचुरेशन होता है, पता है ना बेटा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीनेचुरेशन में क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे अलग. तो कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन bonds break during the denaturation step. B are formed during annealing. जब एनेलिंग होगी जैसे ही प्राइमर जुड़ेगा तो वापस हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा बी, बी में क्या जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड सी आर फॉर्म्ड बाई, जब सी की बात करेंगे तो टैग पॉलीमरेज क्या करेगा पॉलीमराइजेशन, तो कौन से बॉन्ड बनाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. वेरी सिंपल. तो ए हाइड्रोजन बॉन्ड, बी हाइड्रोजन बॉन्ड और सी क्या हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर सिस्टम सेल्स आर मेंटेन इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज. इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं बेटा कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम इन विच फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम वन साइड एंड ओल्ड मीडियम रिमूव from other side, which maintain the host cell in their most active physiological state. कौन सी होती है log phase. तो आंसर हो जाएगा continuous culture system. मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया बेटा बासमती राइस. आपको क्या करना है मिसमैच को चूज करना है. तो बासमती राइस 27 जो है आपकी वैरायटी है किसमें इंडिया में, बिल्कुल करेक्टली मैच दे. तो रोजी काऊ 1997 में इसको बनाया गया था, सही है. पेटेंट ऑन बासमती राइस बाई अमेरिकन कंपनी कब किया था ये 1997. फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब की थी बेटा 1990 में की थी. इसने क्या कर दिया 1901 कर दिया. तो ये मिसमैच कौन सा हो गया यहाँ पर फोर्थ. नेक्स्ट ऑल द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक्सेप्ट. वेरी सिंपल. ये एप्लीकेशन है बायोरेमेडिसिन एप्लीकेशन है, टेलर मेड प्लांट एप्लीकेशन है, जीएम प्लांट बनाते हैं, डिजीज डायग्नोसिस बाई कन्वेंशनल मेथड. इसमें बायोटेक का कोई रोल नहीं है. GM crops are useful in many ways. Use of GM crop पढ़ा है बेटा many ways except reduce post harvesting losses, सही है. Reduce efficiency of mineral usage, गलत हो गया बेटा. ये mineral usage की efficiency को तो बढ़ाते हैं, तो यही क्या हो गया ये गलत हो गया. आपको आंसर क्या करना है सेकेंड ही करना है. Reduce reliance on chemical pesticide बिल्कुल करेक्ट है. Crops are made tolerant to abiotic stress like heat, इसके अलावा cold. ऑप्शन दे रखे हैं स्टेटमेंट दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया करेक्ट, लेकिन जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा इनकरेक्ट. तो आंसर इज सेकंड. सेलेक्ट द इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बीटी कॉटन. बीटी कॉटन के क्वेश्चन बनते हैं बेटा बहुत अच्छे वाले. एल्कलाइन पीएच ऑफ द कॉटन बॉलवर्म सोल्विलाइज द क्रिस्टल, बिल्कुल सही है करेक्ट हो गया ये तो, क्योंकि एल्कलाइन पीएच पे क्या होगा जो क्राई प्रोटीन है वो सोल्यूबल फॉर्म में आ जाएगी. एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द माउथ पार्ट, ये गलत हो गया सबको पता है बेटा मिड गट में एक्टिवेट होगा वो, वहीं पर एपिथेलियल सेल से बाइंड होगा, तो आपका इनकरेक्ट यही हो गया. फिर भी देखें प्रोटीन एनकोडेड बाई क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म, बिल्कुल करेक्ट है. बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है. तो आंसर हो जाएगा सेकंड. रीड द स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट दे रखे हैं. पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, गलत हो गया नॉट इन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसलिए स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट. आरएनए आई प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द एमआरएनए, एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट नहीं करेगी, एमआरएनए के ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करती है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा गलत हो गया. बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट. आंसर इज फोर्थ. ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. एमआई मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक टोबैको एक्सप्रेसिंग, क्यों सर्वाइव नहीं कर पाता वो, क्योंकि जो ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट है उसकी जो रूट सेल है उनमें स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए क्या होता है फॉर्म होता है जो उस एमआई के एमआरएनए को साइलेंट करवा देगा. एनसीईआरटी का बिल्कुल स्टेटमेंट है उसका क्वेश्चन दे दिया, तो आंसर हो जाएगा एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्किड. स्किड इज genetically disorder, genetic disorder, severe combined immunodeficiency. It is hereditary disease. ये तो correct है बेटा. It is due to duplication, गलत हो गया. Not duplication. इसकी का रीजन क्या है म्यूटेशन है. कौन सा म्यूटेशन होता है कौन सा लोप, हिंदी में लोप और इंग्लिश में बोलते हैं डिलीशन, इसने बोल दिया डुप्लीकेशन, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया. बाकी ये सही है बोन मेरो ट्रांसप्लांट से इसका अपन ट्रीटमेंट करते ही है. एडीए Enzyme is crucial for the immune system to function. बिल्कुल सही है तो आंसर इज सेकंड. Which host was used by Eli Lilly company to produce human insulin? सबको याद है बेटा उन्होंने कौन से होस्ट सेल का यूज किया था E. coli का किया था Escherichia coli. Which of the following is not correct with respect the advantage of human insulin or insulin extracted from the pancreas of slaughtered cattle and pig? पूछा गया है। मारे गए मवेशियों और सूअरों के अग्नाशय से निकाले गए इंसुलिन पर मानव इंसुलिन के लाभ, मतलब जो ह्यूमन इंसुलिन है, जो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है, उसका क्या एडवांटेज है। देखो डू नॉट, ये पूछा गया है नॉट करेक्ट कि उससे उसके रिलेशन में कौन सा करेक्ट नहीं है। डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स, ये तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा, वो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स क्रिएट नहीं करती। फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये भी सही स्टेटमेंट है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये गलत हो गया। लार्ज स्केल प्रोडक्शन तो अपन करते ही है ना, इलीली कंपनी ने किया था ना, इकोलाई में कल्चर करवाया था और उससे आपको ह्यूमन इंसुलिन काफी अमाउंट में ऑब्टेन हुई थी। स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन इज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल दैट ऑफ द नेचुरल मॉलिक्यूल, बिल्कुल क्या होगी सेम, क्योंकि ह्यूमन जीन को इसमें इंसर्ट किया गया था। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है, ये है लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्या होना चाहिए था, पॉसिबल होना चाहिए था, बिल्कुल सिंपल है। मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, लो मैच करवा देते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जानते हो ना, एम्फाइसीमा डिजीज के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन ट्रांसजेनिक, ये रहा, ये रोजी काऊ में इसको ऑब्टेन किया गया था। सेफ्टी ऑफ पोलियो के लिए अपन क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा, ये लो ट्रांसजेनिक माइस का यूज करते हैं पोलियो टेस्टिंग के लिए, बोले तो वैक्सीन टेस्टिंग के लिए, पोलियो वैक्सीन टेस्टिंग। और जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर, याद रखना। कर लोगे मैचिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर से मैचिंग वाला आ गया। ओके मैचिंग वाले बिल्कुल सिंपल है, देखो मैच कर देते हैं। जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये देखो वैलिडिटी ऑफ द जीएम रिसर्च को डिसाइड करती है। बायोपायरेसी, ये इससे मैच कर दो, अनलॉफुल यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। एलिजा सब जानते हो, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। और एक बच गया आपका डीएनए आरडीएनए टेक्नोलॉजी, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। तो उसके अकॉर्डिंग देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है, तो जैसे ऑप्शन यहाँ मैच कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। देखो ए जो है, ए जीएसी किससे मैच कर रहे हैं अपन, वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, तो सेकंड ए में, सेकंड बेटा ए के ऑप्शन में है, हो ही गया ये तो। बी क्या हो जाएगा देख लो, बायोपायरेसी, 4 सी क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और डी फर्स्ट से मैच कर दो। तो जैसा ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आप मैचिंग करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। ओके स्टेटमेंट वाले आगे, देखो 3 स्टेटमेंट दिए हैं इसमें। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टिकी एंड प्रोड्यूसिंग आर यूज्ड मोस्ट ऑफन इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। यूजुअली टैग पॉलीमरेज इज एम्प्लॉयड इन पीसीआर, पीसीआर में किसका यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज का, ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड क्या है, नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल सही है। ई कोलाई में जनरली एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन नहीं होते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, करेक्ट हो गए। तो सीधे आंसर पे जाओ, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके बायोपायरेसी मींस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथेंटिक परमिशन, बिल्कुल सिंपल है। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स करंटली अप्रूव्ड इन कॉमर्शियल यूज ऑफ ग्लोबली, वर्ल्ड में कितनी है बेटा, रट रखा है ये 30, और इंडिया में कितनी है 12। Which of the following organisms affected by protein produced by baseless thorine genesis, क्या करेगा बेटा, जो इंसेक्ट्स हैं उनको क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो ऑप्शन में जाओ, डायग्राम के अकॉर्डिंग ये कौन है, आपका इंसेक्ट है, इसको डैमेज कर देगा, बिल्कुल सिंपल है। रोजी काऊ जो है उसके मिल्क में कितनी अमाउंट में प्रोटीन मिली थी, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन 2.4 ग्राम पर लीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट द हार्ट अटैक, कौन सा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसको अपन बोलते हैं क्लॉट बस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नाउ रूटीनली बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी, किसका यूज कर रहे हैं आजकल ज्यादातर एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए, पीसीआर का। ओके फिर असर्शन रीजन वाला आ गया, देखो न्यूक्लिएज एंजाइम आर ऑफ 2 टाइप्स, एंडोन्यूक्लिएज एंड एक्सोन्यूक्लिएज। एंड एंडोन्यूक्लिएज बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ऑलवेज कट एट स्पेसिफिक पॉइंट इन डीएनए, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है। तो देखो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट ना, असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, तो आंसर करो ना सेकंड। हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स विल जनरेट ऑन द डाइजेशन ऑफ द क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम हैविंग 6 रिकॉग्निशन साइट ऑन द डीएनए, वेरी सिंपल बेटा। ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सर्कुलर है, इसमें कह रहा है कि कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, कितनी है 6 है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 कट करो इसको, तो आपको कितने डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलेंगे बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आंसर क्या हो जाएगा? 6। ओके, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन जिनका अपने सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।